हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट लेसन है बर्न बटन, उसका लेक्चर नंबर 2 आपके सामने पेश करेंगे। तो इसका मैंने पहले 2 पैराग्राफ कर दिए थे, आज हम आगे करेंगे इंशाल्लाह इसकी ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले इनके जो राइटर हैं आप देख रहे हैं, रिचर्ड मैडसन इनके राइटर हैं, जो इनका पेन नेम लगुन स्वेसन है। तो इनकी जो है आगे डेथ और डेट ऑफ बर्थ हम देखते हैं। बॉर्न ये फेबरी 20, 1926 इन एलेंडेलिया टाउन, न्यू जर्सी। न्यू जर्सी जो है ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की एक रियासत है। एलेंडेलिया एक टाउन का नाम है, वहाँ पर ये पैदा हुए। डेथ इनकी जून 23, 2013 में हुई इन लॉस एंजलिस, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया भी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की एक रियासत है और लॉस एंजलिस इसका एक सिटी है। तो इनके ऑक्यूपेशन में क्या था, सबसे पहले तो ये नोवलिस्ट थे, नोवल लिखते थे। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जैसा कि ये बर्न बटन की एक शॉर्ट स्टोरी है। उसके बाद स्क्रीन ड्रामा, सॉरी ये जो बर्न बटन है इनका एक स्क्रीन ड्रामा है। उसके बाद शॉर्ट स्टोरी राइटर था ये। स्क्रीन ड्रामा वो है जो स्क्रीन पे पेश किया जाता है, उसे स्क्रीन ड्रामा कहते हैं। तो इस पैराग्राफ में जो मैंने वर्ड्स आपके लिए निकाले हैं, उनमें सबसे पहले कॉल ऑन कहते हैं किसी को मिलने जाना। वैसे तो आपने जो प्रीवियस 9th 10th में पढ़ा था कॉल ऑन, वो किसी को मिलने के लिए आपने मीट पढ़ा था, मीट किसी को मिलने जाना। लेकिन यहाँ पे कॉल ऑन जो आपने अपने जहन में रखना है, किसी को मिलना। लिफ्ट ऑफ, लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है ऊपर उठाना किसी चीज़ को। उसके बाद फोल्डेड, फोल्डेड का मीनिंग मैं आपको समझाने से पहले एक बात आपको बता दूं। फोल्डर जिसे आपका रजिस्टर जो होता है उसे आप फोल्डर कहते हैं। आप उसे फोल्डर क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं और वो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। तो फोल्डेड का मीन यहाँ पे क्या हो गया, फोल्डेड का मीन तयशुदा, वहाँ पे भी तय लगी होती है ना पेजेस की, इसलिए आप उसे फोल्डर कहते हैं। तो फोल्डेड का मतलब है तयशुदा। उसके बाद स्काउच टेप, स्काउच टेप को आप जो है शफाफ या क्लीन टेप जो है उसे टेप कहते हैं। टेप किसी चीज़ को जो है फासन करने के लिए, जोड़ने के लिए। उसके बाद वर्ड है पुल ऑफ, पुल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को उखाड़ना या खींचना, तो पुल ऑफ इसके लिए यूज़ होगा यहाँ पे। उसके बाद वर्ड है काउच, काउच का मतलब होता है सोफ़ा या बिस्तर जिस पे आप लेटते हैं, उसे हम काउच यूजली कहते हैं। उसके बाद हॉलवे का मतलब होता है राहदारी, जब आप फ्रंट डोर आपका जो होता है, जैसा कि हमने लास्ट पैराग्राफ में उसे फ्रंट डोर के लिए हमने इस्तेमाल किया था सदर दरवाज़ा। इस तरह हॉलवे जो सदर दरवाज़ा होता है, उस सदर दरवाजे के सामने जो राहदारी होती है उसे हम हॉलवे कहते हैं। पोलाइटली मीन शायदगी से, पोलाइटली शायस्तगी का मतलब क्या है, सॉफ्टली नरमी से, शायस्तगी से ये पोलाइटली की मीनिंग्स में आ जाता है। उसके बाद पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे पहले इनसाइड, इनसाइड किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ हो उसे हम इनसाइड कहते हैं। इनसाइड द कार्टन, कार्टन का मीन मैंने आपको बताया था डिब्बे में, इनसाइड द कार्टन डिब्बे के अंदर। आगे वाज था, अब पुश बटन, पुश मतलब आपको पता है किसी चीज़ को धकेलना, पुश बटन धकेली जाने वाला बटन, या आप इसे जो है दबाया जाने वाला बटन भी कह सकते हैं। अच्छा क्या बन गया इसका, इनसाइड द कार्टन डिब्बे के अंदर, वाज़ा पुश बटन, एक दबाने वाला बटन था, बटन यूनिट आ गया है, दबाने वाला बटन यूनिट था। फासन, फासन का मैंने आपको मीन बताया है किसी चीज़ को जोड़ना, फासन जो जुड़ा हुआ था, टू अ समाल एक छोटे से, टू अ स्मॉल एक छोटे से, वुडन लकड़ी का, वुड का मीन जैसा कि आपको पता है लकड़ी को कहते हैं, और वुडन जो चीज़ लकड़ी से बनी हो उसे वुडन कहते हैं। बॉक्स, बॉक्स या आप उसे वुडन बॉक्स की जगह यहाँ पे आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लकड़ी का एक संदूकचा, वुडन बॉक्स लकड़ी का संदूकचा भी आप इसे यहाँ पे कह सकते हैं। तो मैंने ट्रांसलेशन करने के लिए आपको जो है क्या समझाया था, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट पढ़ना है। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, इनसाइड द कार्टन डिब्बे के अंदर, सब्जेक्ट पढ़ लिया डिब्बे के अंदर। फिर आपने पैराग्राफ के जो आपका सेंटेंस है उसके लास्ट में चले जाना है, लास्ट में क्या है, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, फासन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, फासन जुड़ा हुआ था, टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स लकड़ी के एक छोटे से संदूकचे में, डिब्बे के अंदर लकड़ी के एक छोटे से संदूकचे के साथ जुड़ा हुआ था। फिर आप पीछे जो लास्ट है उससे पीछे की तरफ आप आ रहे हैं, जुड़ा हुआ था, अब पुश बटन यूनिट दबाने वाला बटन यूनिट। अब इसका ट्रांसलेशन आपने किस तरह, सबसे पहले आपने इसके जो है फाइल पढ़ा, सब्जेक्ट आपने पढ़ा, इनसाइड द कार्टन लकड़ी के डिब्बे के, इनसाइड द कार्टन डिब्बे के अंदर, वाज अ पुश बटन यूनिट, फासन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स डिब्बे के अंदर।
टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, लकड़ी के एक छोटे से संदूकचे के साथ वाज अ पुश बटन यूनिट फासन्ड, एक दबाने वाला बटन जुड़ा हुआ था। तो आपकी कंप्लीट इसकी ट्रांसलेशन किस तरह करेंगे, डिब्बे के अंदर लकड़ी के एक छोटे से संदूकचे के साथ दबाए जाने वाला या दबाने वाला बटन यूनिट जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इसका, अ ग्लास टूम, ग्लास का मतलब आपको पता है शीशा को कहते हैं। उसके बाद डूम, डूम का होता है मतलब होता है मेहराबी, मेहराबी किस तरह, जैसा कि आप मॉस्क मस्जिद वगैरह की देखते हैं जो गुंबद वगैरह बने होते हैं उनकी जो शेप होती है वो मेहराबी होती है, उसे मेहराबी कहते हैं। अ ग्लास टूम, एक शीशे का मेहराबी, कवर्ड किसी चीज़ को कवर करना, कवर्ड ढांपा गया था द बटन, बटन को। फिर इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन किस तरह होगी, अ ग्लास डोम कवर्ड द बटन, बटन को एक शीशे के मेहराबी, एक मेहराबी शक्ल के शीशे से ढांपा गया था। आप इस तरह इसकी कर लें। फिर मैं आपको बता दूं आप किस तरह इसे कर सकते हैं, बटन को एक मेहराबी शीशे या इसे कोसी शीशे भी कह सकते हैं से ढांपा गया था। नेक्स्ट नॉर्मा, नॉर्मा फीमेल का नाम है जैसे मैंने आपको बताया। ट्राइड, ट्राइड जो है ट्राई की सेकंड फॉर्म है, ट्राई ट्राई ट्राइड, तो पास्ट टेंस है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ट्राइड यूज़ हो रहा है। नॉर्मा ट्राइड, नॉर्मा ने कोशिश की, ट्राई कोशिश करना, नॉर्मा ट्राइड, नॉर्मा ने कोशिश की। टू लिफ्ट इट ऑफ, मैंने आपको लिफ्ट ऑफ का मतलब बताया किसी चीज़ को उठाना, टू लिफ्ट इट ऑफ इसे उठाने की, नॉर्मा ने इसे उठाने की कोशिश की। आगे कोमा है तो आप भी उर्दू में जो है ट्रांसलेशन में कोमा लगा दें। बट इट वॉज लॉक्ड, बट मगर इट वॉज ये था लॉक्ड का मतलब आपको पता है, इन द प्लेस लेकिन ये अपनी, इन द प्लेस अपनी जगह पे, लेकिन ये अपनी जगह पे लॉक था। तो यहाँ पे आप लॉक का मतलब जो है बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन ये अपनी जगह पे बंद था, तो आप क्या कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी जगह पे मुंजमित था, या लेकिन ये अपनी जगह पे जुड़ा हुआ था, इस तरह आप कर लें। नेक्स्ट शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, टर्न ओवर होता है किसी चीज़ को पलट देना, किसी चीज़ को उल्टा कर देना, तो यहाँ पे शी टर्न्ड उसने पलट दिया द यूनिट ओवर, यूनिट को, यूनिट वो उसे कह रहा है जो लकड़ी का डिब्बा था, वो उसे यूनिट एज अ यूनिट कंसिडर करेगा। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, उसने यूनिट को पलट दिया। एंड सा, सा सी की सेकंड फॉर्म है, सी सा सी जैसा कि आपने इसकी फॉर्म्स पढ़ी हैं। एंड सा और देखा आ फोल्डेड, फोल्डेड का मैंने आपको जैसा कि पहले बताया तयशुदा पीस, पीस जो है एक टुकड़े को कहते हैं, तो पीस के लिए दो वर्ड्स यूज होते हैं, पी आई ई सी ई पीस, इसे टुकड़े को कहते हैं, और पी ई ए सी ई पीस, ये जो है अमन को कहते हैं, पुरसकून को कहते हैं, सुकून को कहते हैं, पुरसकून की हालत को कहते हैं, पीस ये सेकंड वाला है, तो ये पीस जो है ये टुकड़े को कहते हैं। तो वापस आ जाएं अपनी ट्रांसलेशन पे, शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने डिब्बे को उल्टा कर दिया। एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, और एंड सा और देखा अ फोल्डेड तयशुदा पीस ऑफ पेपर, कागज़ का तयशुदा एक जो है पेपर देखा। स्काउच टेप्ड, स्काउच टेप्ड ईडी यूज़ हुआ है, सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, स्काउच टेप्ड जो एक शफाफ टेप के साथ जुड़ा हुआ था। टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, जो संदूकचा था या डिब्बा था उसके बॉटम के साथ। तो मैंने आपको समझाया था जब सेंटेंस जो है थोड़ा लॉन्ग आए तो आपने किस तरह ट्रांसलेशन करनी है, सबसे पहले आप उसके सब्जेक्ट पढ़ें, सब्जेक्ट क्या है, शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने डिब्बे को उल्टा कर दिया। फिर आप लास्ट में चले जाएं, लास्ट में क्या है, टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, संदूकचे के पैंदे के साथ, इसी तरह आप पीछे को आते जाएं, ऑफ पेपर स्काउच्ड टेप्ड, शफाफ टेप के शीशे के पैंदे के साथ शफाफ टेप से, फिर उससे पीछे आप जाएं, सा आ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, उसने तयशुदा, सा आ फोल्डेड, उसने तयशुदा पीस ऑफ पेपर, कागज़ का एक टुकड़ा देखा। तो कंप्लीट ट्रांसलेशन आप किस तरह इसकी करेंगे, मैंने कोई रट्टा नहीं लगाया हुआ, मैंने ये जो जैसे मैं आपको मेथड बता रहा हूँ मैं भी खुद उसी मेथड से कर रहा हूँ। आपके सामने देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा यहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ क्योंकि मैंने मेथड याद किया हुआ है, ना कि मैंने रट्टा लगाया। अगर मैंने रट्टा लगाया होता तो मैं आपको जो है एक मैं पढ़ देता सारा आपको ट्रांसलेशन इसकी, लेकिन मैं आपको मेथड समझा रहा हूँ किस तरह आपने करना है। तो सबसे पहले फाइल पढ़ें, शी टर्न द यूनिट ओवर, उसने डिब्बे को उल्टा किया। फिर लास्ट में चले जाएं, टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स,
सॉरी टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, डिब्बे के पैंदे के साथ स्काउज टेप शफाफ टेप ऑफ स्काउज टेप शफाफ टेप से सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, सा देखा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर, तयशुदा कागज़ का एक टुकड़ा देखा। उसने डब्बे को उल्टा किया और डिब्बे के पैंदे के साथ शफाफ टेप से जुड़ा हुआ कागज़ का तयशुदा एक छोटा टुकड़ा देखा। इस तरह आप इसकी कंप्लीट ट्रांसलेशन कर लें। अब आप नेक्स्ट जाएंगे, शी पुल्ड इट ऑफ। मैंने जैसा कि आपको ऊपर बताया था कि पुल ऑफ का मतलब क्या है, वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे उखाड़ लिया। मैंने आपको ऊपर मतलब इसका बताया, किसी चीज़ को उखाड़ लेना। पुल्ड इट ऑफ सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है, पुल पुल्ड पुल्ड उसकी सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है यहाँ पे, पुल्ड क्योंकि पास्ट टेंस है। ये जो कंप्लीट स्टोरी है ये पास्ट टेंस में है, इसलिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म ही हमेशा यूज़ होगी। यूजली आप देखेंगे कहीं कहीं पे जो है फ्यूचर भी यूज़ होगा, वो आप देखेंगे आगे। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने इसे उखाड़ लिया। आगे जब उसने कागज़ का टुकड़ा जो है उखाड़ लिया था, उस पर क्या लिखा था वो यहाँ पे आपको डबल कोट्स में नज़र आ रहा है, मिस्टर स्टीवर्ड। मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन। कॉल ऑन का मतलब जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि कॉल ऑन होता है किसी को मिलना, ये बात आप अपने जहन में रखने, कॉल ऑन किसी को मिलना। वापस आ जाएं, कहाँ पे थे हम, मिस्टर स्टीवर्ड। मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन, मिलने आएंगे। विल यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्यूचर टेंस यूज हो रहा है, क्योंकि ये डबल इनवर्टेड कॉमा में है बंद, इसलिए फ्यूचर टेंस है। मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन, मिलने आएंगे यू आपको एट 8 PM। मिस्टर स्टीवर्ड आपको PM शाम को, मिस्टर स्टीवर्ड आपको शाम 8 बजे मिलने आएंगे। इस तरह आपका ये कंप्लीट हो गया। अच्छा, ये डबल इनवर्टेड कॉमा में है, तो आपने ट्रांसलेशन में भी इसे इसी तरह बंद करना है कॉमाज में। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे नॉर्मा, फाइल आपने पढ़ लिया नॉर्मा। पुट द बटन यूनिट, पुट यहाँ पे यू, पुट का मतलब वैसे आपको पता है पुट ऑन पुट ऑफ, लेकिन पुट यहाँ पे रखने के मीनिंग में से यूज़ होगा। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट, नॉर्मा ने बटन यूनिट रख दिया बिसाइड। अच्छा, बिसाइड जो है ये आपके पास एक वर्ड होता है बिसाइड, ये तो होता है साथ, बिसाइड यानी कि जैसे यहाँ पे यूज हुआ है अपने साथ रख लिया, लेकिन एक वर्ड होता है बिसाइड्स, सिर्फ आप एस का इजाफा करते हैं, इसका मतलब होता है इसके अलावा। ये दोनों वर्ड्स आपने अपने जहन में रखते हैं। आगे नेक्स्ट वापस आ जाए, नॉर्मा पुट द बटन यूनिट, नॉर्मा ने बटन यूनिट रख लिया बिसाइड हर ऑन द काउच। काउच का मतलब मैंने आपको बताया था सोफ़ा या बिस्तर, आप यहाँ पे सोफ़ा कर लें। नॉर्मा ने बटन यूनिट अपने साथ सोफे पे रख लिया। अगर आप उसी जो है मेथड जो मैंने आपको बताया है, सबसे पहले फाइल पढ़ें नॉर्मा नॉर्मा, फिर लास्ट में चले जाएं ऑन द काउच सोफे पर, उससे पीछे जाएं, उससे पीछे क्या है पुट द बटन यूनिट बिसाइड, नॉर्मा ने सोफे पर अपने साथ बटन यूनिट रख लिया। इस तरह कर लें जैसा कि मैंने आपको मेथड बताया है, या आप सिंपली कर लें। ये जो है सेंटेंस थोड़ा छोटा है, समाल है, तो आप इसे सिंपली भी कर सकते हैं। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द काउच, नॉर्मा ने अपने साथ सोफे पर बटन यूनिट रख दिया। नेक्स्ट, अच्छा पुट जो है यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है। पुट की तीनों जो फॉर्म्स हैं ये सेम हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ पुट की तीनों फॉर्म सेम्स हैं, लेकिन जिस लेसन में या जिस पैराग्राफ में यूज़ हों आप उसके हिसाब से इसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी बता रहे हैं, ये स्टोरी पास्ट में होती है, इसलिए यहाँ पे पुट हम पास्ट ही कंसिडर करेंगे, सेकेंड फॉर्म कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, शी री रीड। रीड का मतलब आपको पता है जो है पढ़ना किसी चीज़ को, तो यहाँ पे री रेड किस लिए यूज़ हुआ है, दोबारा पढ़ा। री का मतलब आपको पता है दोबारा पढ़ना, री मतलब आपको पता है किसी वर्ड के साथ री लग जाए तो आप इसे दोबारा कर लेते हैं। शी री ई रीड, उसने दोबारा पढ़ा। द टाइप्ड नोट, टाइप का आपको मतलब पता है किसी चीज़ को टाइप करना, जैसे मैंने ये टाइप किए हैं पैराग्राफ, टाइप्ड नोट टाइप किया हुआ नोट, आगे कोमा लगा है स्माइलिंग मुस्कुराते हुए। शी री रीड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग, उसने मुस्कुराते हुए टाइप किया हुआ नोट दोबारा पढ़ा। नेक्स्ट, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, लेटर का मतलब आपको पता है बाद में, चंद लम्हों बाद,
फिर आगे आप कोमा लगाएं, जैसे यहाँ पे लगाया शी वेंट, वेंट का आपको पता है चली गई जो है, गो की सेकंड फॉर्म गो वेंट गॉन, शी वेंट वो चली गई बैक वापस इन टू द किचन, किचन में चंद लम्हों बाद शी वेंट इन टू द किचन, वो वापस किचन में चलेगी टू मेक, बनाने के लिए, मेक का मतलब आपको पता है मेक बनाना, टू मेक बनाने के लिए, टू के बाद हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, मैंने आपको बताया था द सैलेड सलाद। अब आप इसको किस तरह करेंगे, आप खुद भी कर लें या जैसे मैंने आपको मेथड बताया उस तरह भी कर लें, या आप सिंपल कर लें, दोनों ठीक होगा, लेकिन जो लेंथी सेंटेंस होते हैं आप उसी मेथड से करें जो मैंने आपको बताया है, तो आपके लिए इजी होगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप मीनिंग याद किया करें उसके। अच्छा उसी तरह कर लेते हैं जो मैंने मेथड आपको बताया है, अ फ्यू मोमेंट्स लेटर चंद लम्हों बाद, अब आप लास्ट में चलेंगे जाएं टू मेक द सैलेड, लास्ट में सेंटेंस ये है, पहले आपने फाइल पढ़ा चंद लम्हों बाद टू मेक द सैलेड सलाद बनाने के लिए, उसके पीछे क्या है शी वेंट बैक इन टू द किचन, वो वापस किचन में चलेगी, आप इसका कंप्लीट कैसे करेंगे, चंद लम्हों बाद फिर लास्ट में सलाद बनाने के लिए वो वापस किचन में चली गई, चंद लम्हों बाद सलाद बनाने के लिए वो वापस किचन में चली गई। नेक्स्ट द डोर बेल, डोर का मीन आपको पता है दरवाज़ा, बेल जो है दरवाजे वाली घंटी जो होती है, द डोर बेल रैंग, रिंग की सेकंड फॉर्म है क्योंकि पास्ट टेंस है, घंटी बजी एट, एट 8 o'clock 8 बजे, आप इसे इस तरह कर लें 8 बजे घंटी बज उठी या 8 बजे घंटी बजी। नेक्स्ट अच्छा ये जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है आई के साथ कोमा फिर डबल एल, ये इसलिए यूज़ होता है आई शैल या आई विल के लिए, तो आई के बाद आपको पता है शैल लगता है तो विल भी लग सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है कि विल लगेगा तो वो ज़रूर के मीनिंग्स में आ जाएगा, मस्ट के मीनिंग्स में, इसलिए यहाँ पे शैल लगा है, आई शैल गेट इट। अब ये दरवाजे की घंटी बजी, अब ये नॉर्मा कह रही है आई शैल गेट इट, यानी मैं देखती हूँ, दरवाजे की घंटी बजी तो जैसा कि जैसे आप कहते हैं कि मैं देखता हूँ कौन आया है, वो इसी तरह कह रही है आई शैल गेट इट, मैं देखती हूँ। नेक्स्ट नॉर्मा कॉल फ्रॉम, नॉर्मा कॉल का मतलब आपको पता है पुकारना, नॉर्मा चलाई या नॉर्मा पुकारी या नॉर्मा चीखी, नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम, फ्रॉम से द किचन, नॉर्मा किचन से पुकारी, क्या पुकारी कि मैं देखती हूँ, आई शैल गेट इट, नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम किचन, नॉर्मा किचन से बोली कि मैं देखती हूँ। नेक्स्ट आर्थर वाज, आर्थर था इन द लिविंग रूम, लिविंग रूम का आपको पता है इसे उर्दू में दीवान खाना भी कहते हैं, तो आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने में था, आर्थर उसका हस्बैंड था जो नॉर्मा का, रीडिंग आगे कोमा लगा है रीडिंग, बिल्कुल इसी तरह जैसे कि ऊपर आपने देखा कोमा लगा के आगे स्माइलिंग लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे क्या किया था शी री रीड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग, उसने टाइप किया हुआ नोट दोबारा, उसने मुस्कुराते हुए टाइप किया हुआ नोट दोबारा पढ़ा, इसी तरह यहाँ पे रीडिंग है, आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, आर्थर दीवान खाने में था, रीडिंग, रीडिंग रीड मतलब किसी चीज़ को पढ़ना, पढ़ रहा था, इस तरह कर ले आर्थर दीवान खाने में पढ़ रहा था या आर्थर दीवान खाने में मसरूफ मुतालया था, आप उर्दू में इसे इस तरह भी कर सकते हैं जिस तरह मर्जी कर लें आपकी इसमें मर्जी। नेक्स्ट आप देखें देर वाज अ स्मॉल, एक छोटा, अच्छा जब देर सेंटेंस के जो है शुरू में यूज़ होता है स्टार्ट में, तो आप इसका इसका जो है तर्जमा नहीं करते, उर्दू उर्दू ट्रांसलेशन में आप इसका तर्जमा नहीं करते, ये वैसे यूज़ होता है, देर वाज अ स्मॉल एक छोटा सा आदमी, वाज अ स्मॉल मैन एक छोटा सा आदमी, या आप इसे उर्दू में इस तरह भी कह सकते हैं एक ठिगना सा आदमी, एक छोटा सा आदमी या एक ठिगना आदमी, इन द हॉलवे, हॉलवे का मतलब मैंने आपको बताया जो होती है राहदारी, उसे हम हॉलवे कह सकते हैं, या इसके लिए मैंने आपको एक बताया था कि गुजरने की जगह, लेकिन गुजरने की जगह उर्दू ट्रांसलेशन में तो नहीं करेंगे, आप यहाँ पे राहदारी कर लें तो बेहतर है, देर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, हॉलवे या राहदारी में एक छोटा सा आदमी खड़ा था या एक छोटा सा आदमी था। नेक्स्ट ही रिमूव्ड, रिमूव का आपको मीनिंग पता है किसी चीज़ को ख़त्म करना जो है रिमूव के मीनिंग में आता है, सेकंड फॉर्म यूज़ हुई है रिमूव्ड, रिमूव्ड सेकंड एंड थर्ड फोर्थ आई एन जी रिमूविंग, लेकिन यहाँ पे सेकंड यूज़ हुई है रिमूव्ड, उसने उतारा हिज हैट अपना हैट, या इसे आप इस तरह उर्दू में लिख लें अपनी कैप,
ही रिमूव्ड हिज कैप, उसने अपनी कैप उतारी। किसने उतारी? जो आदमी सामने हॉलवे में खड़ा था। नॉर्मा ने डोर को ओपन किया, नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था, ठिगना सा आदमी था, छोटे कद का आदमी था। तो उसने अपनी, जो आदमी खड़ा था उसने अपनी हैट उतारी या उसने अपनी कैप उतारी। यहाँ पे आप जो है कैप कर लें तो बेहतर है उर्दू मीनिंग्स में। उसने अपनी कैप उतारी एज नॉर्मा ओपन द डोर, जूं ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला। एज का मीनिंग आपने इसमें ज़रूर करना है। तो सेंटेंस जो आप उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं उसमें आपकी गलतियाँ यही होती हैं कि आप कंप्लीट जो है उसमें मीनिंग्स नहीं करते, फिर आप कहते हैं कि मार्क्स कट गए, क्यों कट गए। तो एक एक वर्ड का आपने मीनिंग करना है, जो मैंने मेथड आपको बताया उसके मुताबिक करना है, तो इनशाला आपके ट्रांसलेशन में मार्क्स नहीं कटेंगे। अच्छा, इसे देखने सेंटेंस को, ही रिमूव्ड हिज हैट, उसने अपनी हैट उतारी, या मैंने आपको बताया यहाँ पे कैप बेहतर है, उसने अपनी कैप उतारी एज जू ही नॉर्मा ओपन द डोर, ओपन खोलना द डोर दरवाजा को, जू ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला उसने अपनी कैप उतार दी। इस तरह आप कर लें, या आप जो है उसने अपनी कैप उतार दी ये पहले कर लें, जूं ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला ये भी ठीक है, उसने अपनी कैप उतार दी जूं ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला ये भी ठीक है, इस तरह भी ठीक है, जूं ही नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला उसने अपनी कैप उतार दी, इस तरह भी ठीक है। अब जो आदमी सामने खड़ा था उसने अपनी कैप उतार दी, वो क्या पूछ रहा है? मिसिज लेवस। अच्छा, मिसिज का जो वर्ड है ये आपको सबको पता है, लेकिन मैं बता देता हूँ बार बार ताकि आपको याद हो जाए। मिस्टर जो यूज़ होता है ये मैन के साथ यूज़ होता है, मिस्टर असलम जैसे मैं कह दूँ, और मिसिज जो यूज़ होता है ये फीमेल के साथ यूज़ होता है, जैसा कि मिसिज आयशा में जैसे कह दूँ, इस तरह आप इसे याद रख लें। मिसिज लेवस, मिसिज लेवस आगे क्वेश्चन मार्क लगाया, इसका मतलब है कि वो पूछ रहा है, मिसिज लेवस क्या आप मिसिज लेवस हैं, इस तरह वो पूछ रहा है। शी इंक्वायर्ड, इंक्वायर का मतलब होता है दरियाफ्त करना, जब जो है कोर्ट्स वगैरह में जब जो है जज साहिबान किसी मुलजिम को दरियाफ्त करते हैं तो उनके लिए वर्ड इंक्वायर यूज़ होता है। इसलिए यहाँ पे जो है आपने इस बात को अपने जहन में रखना है, इंक्वायर का मतलब किसी को दरियाफ्त करना या किसी से पूछना। शी ही इंक्वायर्ड, उसने पूछा, सेकंड फॉर्म है इंक्वायर की। पोलाइटली, पोलाइटली जो है शाइस्तगी से या नरमी से या सॉफ्टली आप इसके जो है सिनोनिम्स में कर सकते हैं, उसने नरमी से पूछा, मिसिज लेवस क्या आप मिसिज लेवस हैं, उसने नरमी से पूछा, इस तरह भी ठीक है, या इस तरह भी ठीक है, उसने नरमी से पूछा क्या मिसिज लेवस हैं, इस तरह भी ठीक है। तो मैं जैसा कि हर लेक्चर में आपको कहता हूँ, आप अगर आप इन सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं जो मैं आपको, मैं आप जो है इन ये देखे बुक को देखे घबरा नहीं जाना आपने। अब देखेंगे फर्स्ट लेसन इतना जो है लेंथी है, तो ये एक एक दो दो पैराग्राफ करवा रहे हैं, ये किस तरह कवर होगा, तो मैं आपको कंप्लीट नहीं करवाऊंगा इसमें, कंप्लीट लेसन ट्रांसलेशन में नहीं आता, ये बात आप अपने जहन में रख लें। जो जो पैराग्राफ ट्रांसलेशन में आते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, आप वही करें। तो एक तसलसल रखें, तसलसल को ना तोड़ें, आप कंटिन्यूस जो लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ उसे सुनते रहें, तो ही आपका जो है इंग्लिश आपके जहन में बैठ जाएगी, इंशाल्लाह आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा आप जो है एप्लीकेशन अच्छी तरह आप लिख सकेंगे, उसके बाद इसके जो आंसर क्वेश्चंस है, जो एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो भी आप अच्छी तरह कर सकेंगे, आपको रट्टा लगाने की इंशाल्लाह ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं जैसा कि आपको हर लेक्चर में एक असाइनमेंट देता हूँ, तो आज आपकी असाइनमेंट ये है, तो यहाँ से आपने देर वाज़ा समाल मैन इन द हॉलवे, हॉलवे में, मैं इसका अब जो है ट्रांसलेशन नहीं करता, आपने वो ही नहीं कमेंट्स में लिख देनी है, आपने इसकी ट्रांसलेशन मुझे कमेंट्स में बतानी है, मैं सारी इंशाल्लाह पढ़ूंगा फिर आपको बताऊंगा कितनों ने ठीक लिखा कितनों ने नहीं। तो आपने वो ही नहीं लिख देनी जो मैंने की है, आपने अपने अंदाज में करनी है, जो मैंने की है अगर आपने वो लिखी तो मैं इसे जो है रोंग कर दूंगा, और उसका नाम भी जो है उसका नेम भी नेक्स्ट में अनाउंस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जिसने गलत यही लिखी जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो आपने अपनी लिखनी है, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आएगी लेक्चर की, आप तवज्जो से सुने, नहीं समझ आई बार बार सुने, इस इंग्लिश को अपने जहन में बिठा लें। थैंक्स।